तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैक्स द डॉग। तो आज फुल बारिश का मौसम है, तो बाहर घुमाने लेके आया हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैक्स का जो लेग का बेंडिंग का प्रॉब्लम था वो तो थोड़ा सॉल्व हो गया था, पर ये इन लोग दोनों मस्ती में खेल रहे थे, मैक्स और डेक्स्टर। तो डेक्स्टर ने धक्का दे दिया तो मैक्स पत्थर पर डिसबैलेंस होकर गिर गया, तो उसको लेग में इंजरी हो गया। तो वो ठीक ही नहीं हो रहा था, कम से कम एक महीना हो गया वो ठीक से चल रहा नहीं था। तो मैंने क्या क्या चीज़ लाया, कौन सा ब्रांड का चीज़ लाया, तो उससे बहुत इम्प्रूवमेंट है, तो वो सब मैं दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले दिखाता हूँ कि आप लोग को मैक्स का ग्रोथ कितना हो गया और डेक्स्टर कितना बड़ा हो गया। सो सी यू। सो गाइस, ये है अपना डेक्स्टर, अच्छा खासा एकदम हेल्दी, और अपना साइड में है मैक्स, और देखो थोड़ा लंगड़ा के चल रहा है। मेरे को लग रहा है कि उसको डायग्नोस करके एक बीमारी है थोड़ा सा लेग का, वो हो गया। बाकी लेग बेंडिंग का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन थोड़ा डायग्नोस करके कुछ तो बीमारी है, मुझे भी इतना पता नहीं है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसके ऊपर। तो वो हो गया पैर में, देखो अंदर साइड घुसा हुआ है उसका पैर, ऐसा रहना नहीं चाहिए। तो इसके लिए ज़्यादा तो नहीं हुआ है, ज़्यादा होता तो वो ठीक नहीं होता, उसका रिप्लेसमेंट कुछ तो करना पड़ता है। तो स्विमिंग ये सब कराऊंगा तो शायद ठीक हो जाएगा। देखो थोड़ा लंगड़ा के चल रहा है। ये डेक्स्टर ने अपना मस्ती में धक्का दे दिया था तो इशू हो गया था। बाकी क्वालिटी साइज़ तो एकदम सही है, और अपना क्या बोलते हैं ये कोट अभी थोड़ा कम दिख रहा रहेगा, क्योंकि 8 मंथ हो गया तो अभी उन लोगों का बाल झड़ता है। बाल झड़ने के बाद थोड़ा 1-2 मंथ बाद फुल भरा हुआ दिखेगा, 12 महीने का हो जाएगा। तो और डेक्स्टर भी अपना अच्छा, डेक्स्टर तो अपना है ही एकदम तगड़ा क्वालिटी, और बहुत एक्टिव है। मैक्स को थोड़ा वॉकिंग कराना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बारिश की वजह से बाहर नहीं निकलता हूँ क्योंकि वो ठीक से चलता नहीं है। तो मैक्स पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही खर्चा हो गया, सब दिखाता हूँ मैं ये वीडियो में कि क्या क्या मैक्स के लिए लाया है, और आप लोग के भी डॉग को कुछ हुआ रहेगा इशू तो क्या क्या देने का। ओके गाइस एक्चुअली जो मैक्स का ये प्रॉब्लम है, ये वो मैंने बताया आपको कि देखो अभी ज़्यादा ही हो रहा है, क्या पता क्या है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। एक्चुअली वो डॉग ने जो स्ट्रीट डॉग था एक, जिसको बांध के रखा था, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया, उसने ये जगह पे काट लिया था बैक साइड में, तो उधर खून जम गया था पूरा। तो जब से वो ठीक हुआ है तब से मैक्स को मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है, एक ना एक प्रॉब्लम चालू हो जाता है उसके वजह से। उसको बचपन में काट लिया था, परफेक्ट 3 मंथ का हुआ था तभी। तो अभी देखते हैं, शायद बड़ा होएगा तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी तो 8 मंथ 2 डेज का हुआ है, और डेक्स्टर अपना 7 मंथ कुछ आसपास का है। मैक्स है एकदम सही, बस यार क्या बोलूँ, अभी लेग का इशू है। किसी को कुछ पता होगा डायग्नोस या ऐसे कुछ प्रॉब्लम के बारे में जो ठीक हो सके तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। बाकी मैं ड्रोल्स का सब दे रहा हूँ, मैं ड्रोल्स का कैल्शियम विटामिन स्किन कोट और ओमेगा 3 ओमेगा 6 दे रहा हूँ, इतना सब कुछ चीज़ दे रहा हूँ। मैंने ये मंगाया था अपना ड्रोल्स का कैल्शियम, जो कि अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा है, और स्किन एंड कोट दो ही आता है, कितना है 18 टैबलेट का। कैल्शियम मैंने ज़्यादा मंगाया था, कैल्शियम बहुत देना ज़रूरी है, और विटामिन मैक्स के लिए मंगाया था 18 टैबलेट है, टैबलेट नहीं है मतलब कुछ तो उन लोग ने बनाया, और ये मैं पहले देता था जब ही छोटा था, अभी इन लोग ने बाइट करके ख़राब कर दिया, तो ये भी अच्छा इफेक्टिव है, ये जो मैंने वीडियो बनाया था पहले। तो कैल्शियम का ये भी, कैल्शियम विटामिन सब है इसमें, और मैंने ये भी चालू किया, ये क्या है टेल वेगर, इससे देखो ये सब रहता है फ़ायदा। ओमेगा 3 और 6 साथ में बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ है मैक्स पे। मैक्स थोड़ा सही से नहीं चल रहा था जैसे मैंने वीडियो में दिखा, लेकिन वो शाम तक ठीक हो गया।
मतलब ठीक तो नहीं, लेकिन हल्का फुल्का अच्छे से हो गया। अभी देखो मस्त बैठा हुआ है, और ये अपना डेक्स्टर है। तो बस ये ब्लॉग में यही दिखाने का था कि ये सब देना ज़रूरी है, और भी बहुत कुछ आता है, तो जैसा बजट हो वो हिसाब से आप दो, और देना ज़रूरी, नहीं तो लेग बेंडिंग और फिर यहाँ से पूरा बेंड होने चालू हो जाता है यहाँ से, और फिर लेग का जो इशू होएगा वो अलग। तो बहुत कुछ है सीन, बहुत केयरिंग लगता है डॉग का। तो बस अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।